शिक्षा किसी भी राष्ट्र की वो मजबूत नींव है जो उस देश की उन्नति की इमारत को खड़ा करती है। शिक्षा के बलबूते पर ही कुछ बना जा सकता है। शिक्षा तभी सार्थक है जब उसका उपयोग सीखने के साथ साथ सिखाने में भी किया जाता है। सच्ची शिक्षा वही है जो राष्ट्र की सार्वभौमिक उन्नति, अनेकता में एकता और विभिन्न आस्थाओं का आदर सिखाए। उक्त विचार राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम्ड टूबी विश्वविद्यालय के प्रताप नगर स्थित खेल मैदान पर आयोजित 14वें दीक्षांत समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि व्यक्त किए। श्री कल्ला ने कहा कि वर्तमान में परिपेक्ष में सभी को सच्चे धर्म का अर्थ जानना बेहद आवश्यक है और सत्य ही सच्चा धर्म है जो विभिन्नताओं से भरे हमारे देश को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधता है और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को पोषित करता है। प्रारंभ में कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंग देवोत ने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विश्वविद्यालय की गतिविधियों उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक कार्यक्रमों व गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इस बार भी दीक्षांत समारोह में नारी शक्ति का बोलबाला रहा। कुलपति कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंग देवोत ने बताया कि संस्थान की ओर से 80 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिसमें 42 गोल्ड मेडल महिलाओं व 38 पुरुष अभ्यर्थियों के नाम रहे। पीएचडी की उपलब्धियों में महिलाओं ने बाजी मारी। कुल 26 महिला व 22 पुरुष दीक्षार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली। समारोह को कुल प्रमुख बीएल गुर्जर, कुल सचिव डॉक्टर हेमशंकर दादिच, समाज सेवी व व्यवसायी भीम सिंह चुंडावत, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार सतारावाला ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हीना खान व डॉक्टर हरीश चौबीसा ने किया। दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रबंधक निदेशक जगदीश चंद्र कातिल को क्षेत्रीय समाचारों को प्रमुखता देने व विश्लेषणात्मक व सृजनात्मक सोच के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डिलिट की मानद उपाधि दी, जिसके तहत उन्हें शॉल उपरना प्रतीक चिन्ह लिलिट उपाधि व रजत पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये पल ये क्षण एक इतिहास रचने वाला क्षण है। तालियों की गूंज मुझे थोड़ी कम सुनाई दे रही है। आज हम बता दें कि हम कितने हर्षोल्लास के साथ इस क्षण को मना रहे हैं। देखिए, बहुत ही हर्ष की बात है कि जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ डीम टू विश्वविद्यालय के आज 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही एक कह सकते जो गरिमा होती है दीक्षांत समारोह की, वो उसके साथ ही समापन हुआ। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस वर्ष हमारे करीब 3,500 विद्यार्थियों ने दीक्षा ली, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट ये सभी उसमें सम्मिलित हैं। करीब 40 लोग जो उसमें पीएचडी के लिए उपस्थित रहे, करीब 65 गोल्ड मेडलिस्ट रहे और बाकी सभी को हमने सामान्य रूप से उनको दीक्षा दी। इसके साथ ही आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं, जिसमें सभी जजेस की जो एक ट्रेनिंग होती है, तो बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही दूसरे हमारे जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय बी डी कल्ला साहब रहे और एक हमारे कुलाधिपति का अपना खुद का एक कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अवदान है और अभी भी बड़े सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और इस सबसे दीक्षांत समारोह की जो बहुत बड़ी बात ये होती है कि सभी तरह के दीक्षांत समारोह होते हैं, लेकिन विगत हमने करीब 7 वर्षों से हमारी जो एक पारंपरिक रूप से पहले हम जिस तरह से अंग्रेजों का एक परिधान पहनते थे वो हमने बंद कर दिया। हालांकि अभी बहुत से विश्वविद्यालयों ने इसको अपनाया है, तो हमारा बिल्कुल जो राजस्थान जो एक अपना परिधान है जोधपुरी सूट और साफा केसरिया उसमें है, हमारे विद्यार्थी भी उसी परिवेश में आते हैं, तो एक नई परंपरा शुरू हुई है और सभी ने इसको स्वीकारोक्ति के रूप में लिया है।
इसके साथ ही हमारा ऐसा मानना है कि आज जो जिन लोगों ने दीक्षा ली है इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो निश्चय ही वो रोज़गार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि दीक्षा लेनी और दीक्षा लेने के बाद बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो हमने विगत करीब एक दशक से एक ऐसा प्रयास किया है कि हमारी ये बिल्कुल तकनीकी आधार पर हम दीक्षा दे रहे हैं, स्किल आधार पर दीक्षा दे रहे हैं। इन सभी का सुपरिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत से विद्यार्थियों का अपने अध्ययन के दौरान इनको जॉब मिल जाती हैं, तो ये विद्यापीठ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।